एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे ससुर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और वे आज आईसीयू में भर्ती थी और मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वैसे तो उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी, 70-75 साल के हो गए थे। वे कई बीमारियों से भी लड़ रहे थे। शुगर जैसी भयानक बीमारी से वे काफ़ी सालों से परेशान थे। उनकी पत्नी, जो कि अभी 10 साल पहले ही शादी हुई थी, वह भी बहुत रो रही थी और बहुत परेशान थी। उनकी उम्र भी शायद मेरे ससुर के बराबर ही थी। बूढ़ी थी लेकिन बिल्कुल फिट थी। वह कह रही थी कि शायद मेरा नसीब ही खराब है। अब मैं अकेली कहाँ जाऊँगी और किसके दरवाजे पर जाकर बैठूँगी? अब तो मुझसे काम भी नहीं होगा। मैंने उनको अपने सीने से लगा लिया था और दिलासा दिया कि तुम मेरे ससुर की पत्नी हो और तुम इस हैसियत से हमारे घर में रहोगी और हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम्हें इतनी उदास और रोने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं अपने सास को देखकर बहुत तरस रही थी। वाकई उनकी किस्मत कितनी बुरी थी। अभी पति के साथ 10 साल भी नहीं बिता पाई थी कि पति मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा था। आज मैंने अपनी सास को वह सारी बात बताई जिसकी वजह से मैंने अपने ससुर की दूसरी शादी करवाई थी। मैं अपने सास की गुनहगार थी, इसलिए मैं उनको ये सारी बातें बता देना चाहती थी। तो कुछ ऐसी थी ये कहानी। मेरी शादी को अभी 3 दिन ही नहीं बीता था, मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ देकर बुलाना शुरू कर दिया था। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही थे और मेरे पति ने शादी के रात ही मुझे समझाया था कि मेरे पापा को गुस्सा बहुत आता है, उन्हें कभी भी किसी भी बात से मना मत करना वरना वह गुस्से में पागल हो जाते हैं। और 3 दिनों में मैं भी यही देख रही थी। जब भी वो मेरे पति ललित को एक आवाज़ देते, मेरे पति का तो जैसे रंगत ही उड़ जाती थी। जल्दी से उठकर कमरे से बाहर निकल जाते थे। अपने पति की ऐसी हालत देखकर मेरे दिल में भी ससुर का डर पैदा हो गया था। गुस्से में तो वो हमेशा रहते ही थे। शादी का 3रा दिन था जब सुबह सुबह ही ललित ने मुझसे कहा कि आज फिल्म देखने जा रहे हैं। मैं भी खुश थी, लेकिन उस वक्त मेरे ससुर ने ललित को बुला लिया था और जल्दी से कमरे में बाहर चला गया था। बाहर से मुझे अपने ससुर की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वे कह रहे थे कि 2 दिन शादी के हंगामों में बीत गए। तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान होता होगा, और आज फिर तुम छुट्टी करके बैठ गए हो। अभी के अभी फैक्ट्री पहुँचो, सारे वर्करों के सर पर खड़े रहोगे ताकि वह ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की कि तुम कमरे में ही घुसकर बैठे रहोगे, और अपनी पत्नी से भी कह दो कि किचन की जिम्मेदारी संभाल ले, यहाँ कोई औरत तो है नहीं जो उसके नखरे उठाएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो आया था। अभी 3 ही दिन नहीं हुए थे मुझे दुल्हन बने, और इन 3 दिनों में भी नाश्ता मैंने ही बनाकर दिया था, जिस पर मेरे ससुर कई नुक्स निकाल चुके थे। लेकिन ललित ने मुझे प्यार मोहब्बत से ही समझाया था, लेकिन पापा की बात का बुरा मत मानना। 2 दिन तो मैं इसी कशमुकश के बीच में पड़ी रही कि ससुर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था, मैं तो बहुत घबरा कर रह गई थी। ललित जब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगे, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, काम पहले ज़रूरी है, फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी ऐतराज़ नहीं किया था। ललित तो अपनी फैक्ट्री पर चला गया था। मैं किचन में जाकर बेमन से बर्तन धोने लगी थी। शादी के 3रे दिन ही मैंने खाना भी बनाया था और घर के सारे काम भी किए थे, मुझे करने पड़े। मेरे ससुर ने नौकरानी को भी निकाल दिया था। कहते थे, जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी, और थक हार कर जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ दी। वह अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़ा था, लेकिन दुपट्टा थोड़ा फिसलने वाला था, इसलिए जब अपने ससुर के कमरे में गई, मैंने पूछा, जी पापा जी, कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से लेकर पांव तक बड़े गौर से देखा था, फिर बड़े अजीब अंदाज से अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। कहने लगे, लाओ दो, मुझे दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया था, क्योंकि मेरे सीने से थोड़ा सा दुपट्टा सरक चुका था। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की ये हरकत अजीब लग रही थी। ससुर तो बाप की जगह होता है, और बाप कभी भी बेटियों को सर से पांव तक नहीं देखा करते। मैं जल्दी से किचन में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। फ्रिज खोली और दूध का गिलास भरकर दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेट कर अपने ससुर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। उससे पहले कि कमरे से बाहर जाती, उसे कहने लगे,
कि थोड़ी देर मेरे पास बैठकर भी बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता ही नहीं है और मैं पूरा दिन अकेला बैठकर बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई थी। मेरे ससुर के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी थी, बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन ही बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा और मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह से लगाया तो जल्दी से पीछे हटा लिया था। कहने लगे, इतना ठंडा दूध ये मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गरम गरम दूध पसंद है। ये कहते हुए फिर उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर पड़ी थी और मेरे पूरे बदन पर दौड़ने लगी थी। उनके नज़रों में न जाने ऐसा क्या था, मैं उलझन का शिकार होने लगी थी। मेरे हाथों में कपकपी उतरने लगी थी, चेहरे पर पसीने के कतरे दिखाई देने लगे थे। कहने लगे, जाओ ना, इसे गर्म करके लेकर आओ। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और खड़ी हो गई। वैसे तो 2 दिन से मेरे ससुर बड़े ही गुस्से में बात करते हुए दिखाई देते थे जब ललित घर पर होते थे, लेकिन आज तो उनका शब्द ही बड़ा धीमा था और बड़ा ही वेश्याना अंदाज था। ये मेरे वही ससुर थे जो 2 दिन से ललित को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे और गुस्से से ललित से बातें कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीली में डालकर जरा सा गर्म कर लिया और फिर से गिलास में डालकर अपने ससुर के पास आ गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके हाथ में पकड़ाया था, उन्होंने गिलास के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया था। मुझे तो जैसे पूरे बदन में करंट सा लग गया था। मैंने जल्दी घबरा कर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगे, अरे बाहर कहाँ जा रही हो, यहाँ बैठो ना मेरे पास, मुझसे बातें किया करो, ये तन्हाई मुझे तो और भी ज़्यादा डसने लगता है। ये कहकर उन्होंने ठंडी आँख भरी थी। मुझे तो उनकी ये बात सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने शादी के अगले दिन जो रंग पहना था बड़ा जच रहा था तुम पर, आज शाम को वही पहन लेना। ये सुनकर भी मुझे बुरा लगा था, फरमाइश ललित को मुझसे करनी चाहिए थी ना। फिर मेरे ससुर को, अब तो मेरे ससुर ने रोजाना का तमाशा ही खड़ा कर लिया था। जब ललित फैक्ट्री चला जाता, मेरा ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेता, मुझे अजीब नज़रों से देखता रहता, बार बार अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरने लगता। फिर कहता, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध लाकर दे दो। मैं दूध का गिलास लेकर जाने लगती तो मेरा हाथ पकड़ लेता, कहता, मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या बातें कर सकती थी, मैं काम के बहाने बनाने लगती थी। मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोना है, असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। सोच रही थी मुझसे ललित से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती, मैं तो अपने बाप के सामने कांपता था, एक शब्द नहीं कहता था, सर झुकाए पापा जी ही कहा करता था। मैं किचन का सारा काम कर रही थी, मेरा ससुर अचानक से किचन में आ गया और फिर जो कुछ मेरे साथ किया। मैं अपनी इज्जत बचा कर अपने कमरे में चली गई, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, कुंडी लगा दी, बेड पर बैठ गई और बहुत डर रही थी। मुझ पर बुरी तरह से डर भी सवार था, मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ससुर मेरे साथ ऐसी भी कोई हरकत कर सकता था। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। मैंने सोच लिया था मैं ललित से बात करूंगी, मैं पूरा दिन कोई काम नहीं किया था, अब मुझे क्या करना है। अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरा ससुर मेरे कमरे में दरवाज़ा खटखटा चुका था कि उसे भूख लगी है, मैं उसे खाना दे दूं, लेकिन मैंने आगे से कुंडी नहीं खोला, उसे कुछ भी नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होता तो यही सब कुछ करता जो मैंने किया था। रात को मेरा दरवाज़ा जोर जोर से बजाया गया था, ललित थे, कहने लगे, मंजू दरवाज़ा खोलो, ये क्या बदतमीजी है, क्यों तुम सुबह अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठी हो। ललित की आवाज़ सुनकर ही मैंने दरवाज़ा खोला था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दोनों बाप बेटा मुझे गुस्से से देख रहे थे, तो कहने लगा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आया, मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा हुआ है और तुमने उन्हें रोटी तक नहीं दी। वह शुगर का मरीज है, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। मैंने कहा, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, अच्छा होगा आप कोई और इंतजाम कर लीजिए। मेरा ये कहना था कि ललित गुस्से से समझाता हुआ मुझ पर भड़क उठा और कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है। पीछे से मेरे ससुर कहने लगे, देख रहे हो ना तुम, अभी संडे संडे 8 दिन नहीं हुए उसे और उसने अपना रंग भी दिखाना शुरू कर दिया है। मुझे पहले ही पता था ये लड़कियां शादी के बाद यही सब करती हैं और अलग होने का सपना पहले ही अपनी आंखों में सजा लेती हैं। ललित ससुर जी के सामने ही कहने लगा कि आज तुमने ये बात कह दी, दोबारा अगर कही तो हाथ में डिवोर्स पेपर पकड़ा कर तुम्हें विदा कर दूंगा। ये सुनते ही मेरा रंग उतर गया था। मेरे माँ बाप के पहले ही 5 बेटियाँ थीं, मेहनत मजदूरी करते थे, बड़ी मुश्किल से ही दहेज इकट्ठा कर पाए थे, एक एक बेटी की शादी कर रहे थे।
मेरे माँ बाप भी मुझे विदाई के वक्त कह चुके थे, कभी भी लड़ झगड़ कर हमारे घर मत आना, अपने पति और ससुर की हर बात मानना और अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरा ससुर चाहता था वो मैं नहीं कर सकती थी। उसकी हरकतें, घिनौनी आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त ललित जितने गुस्से में थे और अगर उनके बाप की हरकतें बताती तो यकीनन वो मुझे ही झूठा बना देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आकर बेड पर बैठकर मेरे ससुर कहने लगे, ललित इसको आखिरी बार समझा दो, उसका दिमाग ठीक कर दो, वरना फिर मैं उसकी माँ से जाकर बात करूँगा, उसके बाप से कहूँगा संभाल लो अपनी बेटी। ये कहकर वे गुस्से से यहाँ से चले गए। मैंने एक गुस्सेली नज़र अपने ससुर पर डाली थी। ललित कहने लगे, समस्या क्या है तुम्हें मेरे पिताजी से? तुम्हारे सर पर कौन से 10 लोगों का बोझ है जो तुम उसे संभाल नहीं पा रही हो? अरे मेरा एक ही तो बाप है, ना माँ है, ना कोई बहन है, ना भाई है। ऐसी जिंदगी की तो लड़कियां इच्छा करती हैं जहाँ उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा कि काश के मेरे सास और देवर नंद भी होते तो आज मैं ऐसी समस्याओं से ना गुजर रही होती जिसे आज गुजर रही हूँ। मेरी बात पर वो मुझे गुस्से से देखने लगे, कहने लगे, ऐसी कौन सी समस्या पैदा कर दी है मेरे बाप ने? तुम्हें 2 टाइम की रोटी ही तो देनी पड़ती है, वह भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो मैं अपने घर में फसाद नहीं चाहता, फैक्ट्री से थका आ रहा हूँ, आते ही ये सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए, मैंने शादी सुकून के लिए की थी, ना कि ये फसाद देखना था। फिर मैंने कहा कि ललित ऐसा करो अपने बाप की शादी कर दो। मेरा ये कहना था, एक जोरदार थप्पड़ मेरे पति ने मेरे मुंह पर दे मारा था। कहने लगे, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए? ये बाप की उम्र है शादी की? क्या मेरे बाप की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई है जो तुम्हें पकानी भारी लग रही है? मैंने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वह कहने लगा, कौन सी बात जिसे मैं समझूं? ऐसी बेतुकी बात है, मेरे बाप की उम्र अब 65 साल की हो रही है, कब्र में पांव है, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज है, और तुम चाहती हो इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेदारी संभाले? अब मैं उन्हें क्या बताती कि उनका बाप अपने ही बेटी की पत्नी पर नज़र रखे हुए है। मैंने कहा कि तुम अपने बाप की शादी करवा दो, मैं आपके बाप और माँ दोनों को संभालूंगी। मेरी बात पर वो मुस्कुराया था, कहने लगा कि एक मेरे बाप की 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही है और तुम मेरी सौतेली माँ को संभाल लोगी? देखो ये घर और कारोबार, फैक्ट्री सब मेरे बाप के नाम है। अगर कोई उनकी पत्नी बनकर इस घर में आ गई तो सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकलवा देगी, इस घर को अपने कब्जे में ले लेगी। पापा के गुस्से को तुम अच्छी तरह से जानती हो, जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं चुपचाप उनकी सुनती रही। अब दोबारा से पापा की शादी का नाम मत लेना, ये कहकर वह कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई थी, अब मुझे क्या करना है? मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मायके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठती। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर हो जाती हैं अपना घर बसाने के लिए, क्या कुछ हमें बर्दाश्त नहीं करना पड़ता? अब मैं डिवोर्स ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मेरी डिवोर्स हो जाती तो मेरी छोटी बहनों का क्या होता? मेरी वजह से उनके भी रिश्ते ना आते। मैं अपने बहते हुए आंसू अपने दुपट्टे से साफ करने लगी थी। बड़ी चिल्लाते हुए और गुस्से में ललित की आवाज़ आई थी, कहने लगा, मंजू बाहर आओ, जल्दी से आमलेट और पराठा बनाकर दो, पापा को बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर आकर आमलेट और पराठा बनाया और कमरे में आ गई। मैंने खाना भी नहीं खाया था, लेकिन ललित ने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम भी 2 दिन से भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी भी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। ललित का गिनती भी ऐसे ही मर्दों में होता था। मैंने उसके बाद अपने जुबान बंद कर लिए थे। ललित जब फैक्ट्री चले गए तो मेरा ससुर मुझे आवाज़ भी देने लगा था। मैंने बड़ी मजबूरी में और बेबसी में उनके कमरे तक गई थी। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगा, तुम क्या समझती थी तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ जाएगा और तुम्हारे खातिर वो मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर लेकर देगा? अपनी सोचों को बदल लो तो अच्छा होगा। मैंने तुम्हारे पर अच्छी तरह से काट दिए हैं, तुम चाह कर भी कहीं नहीं जा सकती हो। मैंने इसलिए अपने बेटे की अमीर घर की लड़की से शादी नहीं की, कहीं वो मेरे बेटे को उड़ा कर ही ना ले जाए, इसलिए तुम्हें लेकर आया था। क्योंकि मैं जानता था तुम्हारे बाप के हालत ऐसे नहीं है वे तुम्हारे घर बसने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बिठा सके या कोई अलग घर लाकर दे सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी, कहने लगा, जाओ जाकर मेरे लिए गरम गरम दूध लेकर आओ। ये शब्द मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहता था
पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा लूं। ऐसी गंदी जलील जिंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब गुस्से में यही करती, खाने पीने के लिए अपने ससुर को देकर अपने कमरे में पहुंचकर जल्दी से कुंडी लगा दिया करती थी। ना ही मैं अब उनके पास बैठती थी ना बात करती थी, ज़्यादातर टाइम अपने कमरे में बिताने लगी थी। एक दिन तो हद हो गई, मेरे ससुर ने ललित का लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे, मैंने अपने ससुर की फरमाइश पर मीट बनाया था। खाना खाते हुए कहने लगे, आज तो बाबू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत मज़े का खाना बनाया है। ललित ये सुनकर मुस्कुराने लगा, मुझे निहारने लगा, लेकिन मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई थी। फिर जेब से मेरे ससुर ने 5,000 रुपये निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगे, ये तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फ़र्ज निभा रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे मना करने पर ललित मुझे घूरने लगा, कहने लगा, पापा अपनी खुशी से दे रहे हैं ना, मना क्यों कर रही हो, रख लो। वैसे ना चाहते हुए भी उन 5,000 रुपये को पकड़ लिया। मैं बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, मेरा ससुर भी खड़ा हो गया, मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे माथे पर किस भी कर दिया। मैं तो यूं थी जैसे पत्थर की कोई मूरत बन गई थी। कहने लगे कि मैं तुम्हारे बदलते हुए व्यवहार पर बहुत खुश हूँ, ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्दी मेरे दिल में जगह बना लोगी। ये कहकर वे अपने कमरे में चले गए। मैं ललित को देख रही थी जिसके चेहरे पर कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि पापा का ये कौन सा तरीका है, मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ और उनको चाहिए मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें और बात करें। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने गले से लगाने का। भगवान ने एक उम्र के बाद भी बाप और बेटी का दूरी बना रखा है और कहा गया है माँ बेटी की भी दूरी है। बल्कि मेरी इस बात पर ललित भड़क उठा, कहने लगा, तू इतनी छोटी सी सोच की मालकिन हो सकती थी, मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है, क्या हो गया जो उसने तुम्हें जरा सा गले लगा लिया, तुम्हारे सर पर थोड़ा प्यार कर लिया। अजीब औरत हो तुम, बजाय मेरे पापा के दिल में जगह बना लो, तुम हर बात पर ऐतराज़ करती रहोगी। मैं धीमे शब्द में मुझसे कह रहा था और घूर कर बोला था। कहने लगा, भगवान की कृपा करो पापा ने ये बात नहीं सुनी है, वरना और ज़्यादा मुसीबत बढ़ जाती। मेरे सामने उंगली उठाकर मुझे धमकाने लगा, कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, अपना व्यवहार मेरे पिता के साथ ठीक कर लो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, ललित मेरी बर्दाश्त की अब हद खत्म हो चुकी है, ऐसा करो मुझे जहर लाकर दे दो या अपने पापा की शादी करवा दो। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद ही बाहर का दरवाज़ा बजा था, फिर बाहर जोर जोर से आवाज़ आने लगी थी। मैं कमरे के बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है जो विदेश में पढ़ाई करने गया था, वह वापस आ चुका था, वह अपनी पत्नी के साथ था। मेरे देवर ने वहीं शादी कर ली थी और मेरा ससुर उससे नाराज़ था, इसलिए उसे घर आने की इजाज़त नहीं थी और ना ही मुझे इस बात का पता था। हमारे घर वालों को कहा गया था कि ललित का कोई भी भाई नहीं है। उन दोनों मियाँ बीबी को देखकर मैं हैरान थी। मेरे ससुर अभी भी गुस्से में खड़े थे, कहने लगे, अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर उसे यहाँ वापस क्यों लेकर आया है, वहीं रहते। वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। फिर ललित ने भी कहा कि अब गुस्सा जाने दीजिए, जो होना था हो चुका है, सुनील को गले से लगा लिया। फिलहाल अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी, काफ़ी खूबसूरत सी दुबली पतली सी लड़की थी। मैंने भी भगवान का बहुत धन्यवाद किया था, अब मैं घर में अकेली नहीं हूँ। काफ़ी खुश मिजाज और बातूनी किस्म की लड़की थी, मेरे साथ घुल मिल गई थी। ललित का भाई सुनील अब साथ फैक्ट्री जाने लगा था। मेरे ससुर का ध्यान मुझसे हटकर अब देवरानी के तरफ हो गई थी। एक रात खाना खाते हुए कहने लगे, अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वह भी खुशी खुशी तैयार हो गई, कहने लगी, ठीक है पापा, आपको जो भी चाहिए आप मुझसे मांग लेना। ललित भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन कुछ दिन बीते थे कि एक बार मेरी देवरानी अलका जब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी डरी हुई थी, बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी वह किस तकलीफ़ से गुजर रही है। किचन में जाकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहने लगी, मुझे पापा की आदत बड़ी अजीब लगती है, अजीब नज़रों से देखते हैं और अजीब बातें करते हैं, जिसे सुनकर मेरे कान के लौ तक सुर्ख लाल हो गई है। कहने लगी, मैं तो सुनील से बात करूंगी, वह तो कहते थे उसके पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात बात पर अपने करीब कर लेते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं कभी गले से लगा लेते हैं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की गलती नहीं मानेंगे। मैं भी इस तकलीफ़ से गुजर रही थी, लेकिन ललित ने मेरी एक भी ना सुनी। वह कहने लगी, लेकिन मैं तो सुनील से साफ कह दूंगी, अगर पापा ने ये व्यवहार रखना हमारे साथ तो
तो कहूंगी कि अलग घर ले लो। वही लड़ाई झगड़ा फिर से चालू हो गया था जो कि मेरे और ललित के बीच हुआ करता था। सुनील कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ 3 साल बाहर रह चुका हूँ, अभी मेरे घर में तुम्हें 4 दिन आए हुए नहीं हुए। पापा को रोटी बनाकर देनी पड़ती है। तुमने एक नया बवाल शुरू कर दिया है। वही बहस हुई थी जो ललित की मेरे साथ हो चुकी थी। उसने भी उसे डिवोर्स देने की बात कह दी थी। ललित जब मेरे कमरे में आया तो काफ़ी चुपचाप सा था। मैंने कहा, ललित अब भी आप यही कहोगे कि मैं गलत थी? जो शिकायत मुझे पापा से थी वही आज अलका को भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पापा भी गलत हैं। मैं आपसे सच कह रही हूँ, उन्हें एक पत्नी की ज़रूरत है। बेशक उनकी उम्र 65 साल की है, आपको तो चाहिए था कि अपनी माँ के मरने के कुछ साल के बाद ही उनकी शादी करवा देते, ताकि वह हमें सच में बेटियाँ ही समझते। मेरी बात शायद अब ललित के अकल में आ गई थी। एक बार उन्होंने पापा से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वे नाराज हुए, कहने लगे मैं इस उम्र में शादी करूंगा? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है? ललित ने कहा कि एक विधवा औरत है, अगर आप सहारा देंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वे औरत भी आपकी उम्र के ही हैं और भाइयों के रहम करम पर पड़ी हुई है, बड़ी मुश्किल की ज़िंदगी बिता रही है। पहले तो पापा ने नखरे दिखाए, लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद खुद ही कहने लगे, ठीक है उससे शादी कर लेता हूँ। कुछ दिन में ही मेरे ससुर की शादी हो गई थी और उससे ये फर्क पड़ा, घर का माहौल काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका था। ललित अब मुझे खुद कहते थे कि तुमने ठीक कहा था, पापा को एक पत्नी की ज़रूरत थी। मेरी नई सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर की नज़रें भी हम पर बुरी नहीं उठती थी। हमारे समाज में ये चीज़ भी बहुत आम हो गई है, अगर बाप की उम्र ज़्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देते हैं और एक जिद खड़ा कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि मुझे और अलका को सहना पड़ा था। अब हम दोनों देवरानी जेठानी बड़े प्रेम से रहते हैं और ऐसी कोई समस्या नहीं है। मेरे सास ससुर बूढ़े हैं लेकिन एक साथ एक कमरे में पड़े रहते हैं, उनसे भी कोई खास समस्या नहीं है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।